राजस्थान में डीएसपी हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल के स्विमिंग पूल में अश्लीलता करने वाले वीडियो के मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि डीएसपी के गिरफ्तार करने के 3 दिन बाद रविवार को लेडी सिपाही को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में दोनों ने कई राज उगले हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि अश्लीलता की हद पार करने वाले 50 वीडियो बनाए थे। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि लेडी सिपाही के 8 साल के बेटे का जन्मदिन था। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने पुष्कर में एक 5-स्टार रिजॉर्ट बुक किया था। यह बुकिंग हीरालाल सैनी के कहने पर पुष्कर थाना प्रभारी राजेश मीना ने करवाई थी। आरपीएस हीरालाल सैनी का एक और घिनौना वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो महिला कांस्टेबल के 6 साल के बच्चे के साथ भी अश्लील हरकत करते नजर आ रहा है। यह घिनौना वीडियो करीब 2.5 मिनट का है। बता दें कि डीएसपी हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल पुष्कर के इस वेस्टर्न रिजॉर्ट में 2 दिन तक रुके थे। इस दौरान दोनों ने करीब 50 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाए। रिजॉर्ट में सजावट के लिए गुब्बारे मंगवाए गए थे। वीडियो में इन गुब्बारों के साथ बच्चा खेलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि डीएसपी ने रिजॉर्ट में अश्लीलता के साथ साथ वहां के कर्मचारियों को भी धौंस दिखाई थी। इतना ही नहीं, उसने बुकिंग के समय अपना कोई भी पहचान पत्र नहीं दिखाया था। चेकआउट करने पर करीब 16,000 रुपए का बिल बना था, वो पुष्कर के थाना अधिकारी राजेश मीना ने ही दिया था। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि डीएसपी का यह अश्लील वीडियो महिला कांस्टेबल की गलती से सामने आया, क्योंकि वह महिला 10 जुलाई को बनाए गए वीडियो को अपने मोबाइल में सेव करना चाह रही थी, लेकिन गलती से वीडियो उसके व्हाट्सएप स्टेटस पर चला गया। जैसे ही महिला कांस्टेबल का यह वीडियो गलती से स्टेटस पर गया तो उसके कई रिश्तेदारों और जानने वालों ने इसे देख लिया। महिला के भैया भाभी ने जब इसको देखा तो उसने कॉल कर पूरा मामला बताया। जब उसने वीडियो डिलीट किया तब तक करीब 15 मिनट हो चुके थे, जिसे कई लोगों ने वायरल भी कर दिया। बता दें कि मामले की जांच चल रही है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप टीम ने हीरालाल सैनी को निलंबित करने के अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया है। साथ ही सैनी को 17 सितंबर तक रिमांड पर भी रखा गया है। आपको बता दें कि साथ ही जांच में यह भी पता चला है कि डीएसपी के साथ महिला कांस्टेबल के करीब 5 साल से शारीरिक संबंध थे, जिसके बाद महिला के पति ने उसे छोड़ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।